नमस्कार साथियों, मैं आरके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीएमसी इंदौर परिवार में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम चल रहा है और अभी कुछ ही पल बच्चे बाहर आएंगे, तो हम उनके साथ बात करके आपको बताने वाले हैं कि कैसा एग्जाम रहा, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम का लेवल ईजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। तो हमारी टीम पहुंच चुकी है सेंटर पे, तो जरा जानते हैं कि कैसा रहा आज का एग्जाम। तो जरा जानते हैं बच्चों से कि कैसा रहा उनका एग्जाम। तो सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रद्धा गौण है। अच्छा, आपका नाम? पूजा बागले। कहाँ से आप? धार। और आप कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से, ठीक है। तो आज का, जैसे कि आप बच्चे जान रहे हैं कि एग्जाम हुआ है, तो किस तरीके का एग्जाम हुआ, लेवल क्या आया है, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात मैं आप दोनों से पूछता हूँ कि थोड़ा मैम अंदर आ जाइए, धूप लग रही होगी आपको। अच्छा, ये बताइए मैम कि एग्जाम का जो लेवल है, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, पहले आप बताइए। जी, जो लेवल है वो तो मॉडरेट ही था, और मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो इजीली क्रैक कर सकता है एग्जाम। अच्छा, हाँ, अभी हम सब्जेक्ट पे एक एक करके बात करेंगे। मैम, आपके हिसाब से ऑल ओवर जो है वो इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? मुझे तो इजी लगा, तैयारी अच्छी है, ठीक है। चलो हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, मैम आप बताइए पहले इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आई है। चलिए, मैम को थोड़ा सा शर्म आ रही है बताने में, पहले मैम आप बताइए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस था। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन था, सेंटेंस जो सेंटेंस करेक्शन होता है। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स थे। वर्ड याद है कुछ, सिनोनिम एंटोनिम? नहीं, वर्ड्स तो मैम आपको याद है? वर्ड्स नहीं, याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जैसे एरर वाला जो क्वेश्चन है, उसमें मतलब लेंदी है या छोटा मोटा है? डिफिकल्ट छोटे ही थे, मतलब इतना ज्यादा लेंदी नहीं थे वो। अच्छा अच्छा, मतलब इजीली क्रैक करने वाले थे। हाँ, सेंटेंस अरेंजमेंट्स होते हैं ना वो। हाँ, वही मतलब पैराजिम्बल टाइप के, राइट। ठीक, कितने थे पैराजिम्बल? 5-6 क्वेश्चंस थे। और एरर कितने थे? एरर 2-3 एरर्स थे, 2-3। मैम वोकैब कितनी थी, एंटोनिम सिनोनिम? चलिए, मैम को भी याद नहीं आ रहा ठीक से, मतलब हो जाता है कैमरे के सामने कई बार। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए मैम, मैथमेटिक्स का कैसा रहा आपका? मैथमेटिक्स अच्छा था। अच्छा था, कितना लगभग? मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके अलावा परसेंटेज था, ठीक है, और एक रेशियो का क्वेश्चन था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था एक। अच्छा, साइंस की बात करें, साइंस में आपका? साइंस में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट साइंस के भी इजी क्वेश्चंस थे। एक गोल्ड फॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि रदरफोर्ड का था, वो आया था। और आपको कुछ याद आ रहा है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कौन सा वाला? सर वो ग्लूकोज का था और एक नाइट्रोजन था। अच्छा, मतलब ये है कि थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्या? हाँ, साइंस आपका? नहीं, ऐसा आपकी तैयारी थोड़ी कमजोर? हाँ, थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी इसलिए एक्चुअली। तो उसमें बायो ज्यादा था, साइंस में बायो और केमिस्ट्री। हाँ, अच्छा, हिंदी? हिंदी में अलंकार थे। उसके बाद कितने थे लगभग? समास, अलंकार 2 क्वेश्चंस थे अलंकार के, समास के थे 2-3 क्वेश्चन, विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे। और बस मैम, आपने स्कोर कितना किया? वो मेरा 57। एंड मैम आपका स्कोर? 59। ओके, लैब हाईएस्ट बताओगे कुछ? लैब में कितना क्या हाईएस्ट था? ये तो याद नहीं है, मतलब किसी के सुने हो आसपास, किसी के ज्यादा नंबर आए हो? क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है 60 से ऊपर हमारी लैब में थे ही नहीं। बताया नहीं किसी ने। अच्छा, तो जीके का बताओगे? एमपी वगैरह कैसी क्या आ रही है? एमपी जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट गवर्नर पूछ लिया, मध्य प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया, और इसके अलावा एमपी कुछ नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश का कुछ पूछा हो? मध्य प्रदेश का तो बहुत कम था बाकी। हाँ, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी में कोई आर्टिकल आपसे पूछ लिया गया हो? हाँ, कुछ आर्टिकल्स थे, 354 आर्टिकल शायद, 354 आर्टिकल। हाँ, ओके। इसके अलावा तुमने जैसे साइंस बताया, तो साइंस की अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे कि आप बता रहे हो कि कोई क्वेश्चन ध्यान हो प्रॉपर, जैसे रदरफोर्ड का आप बता रही हो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ध्यान हो? दोनों को सोचो थोड़ा सा। साइंस के क्वेश्चंस अच्छे थे, बायो के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। हाँ, परावर्तन, ओके, परावर्तन, अपवर्तन से क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको? ओके, इनको भी ले आइए, आ जाइए, थैंक यू। केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कहीं
ओके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। हिंदी के क्वेश्चन सीरीज थे, मैथ्स के भी इजी थे, थोड़ा सा इंग्लिश टफ था। इंग्लिश टफ, पैराजम्बली, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम और एंटोनिम थे। ठीक है, थैंक यू। पहले आपका नाम? ईश्वर यदुवंशी। ओके, तो आप बताओगे आपने कितना स्कोर किया? मेरा 52। लैब हाईएस्ट कुछ आपको? नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया। एंड आपकी कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से 52 मार्क्स है। तो आप ये बताओगे कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि 100 मार्क्स का अपना पेपर है, तो क्या 20-20 के सेक्शन में है या फिर किसी का पोर्शन ज्यादा है, किसी का पोर्शन कम है? 20-20 के सेक्शन में, 20-20 के पोर्शन में पेपर है। इसके अलावा अगर सबसे पहले अपन साइंस से शुरुआत करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहाँ से क्या क्वेश्चन, कोई ध्यान है? फिजिक्स में तो एक अल्फ्रेड नोबल से पूछा था। अल्फ्रेड नोबल से पूछा? खोज या फिर अल्फ्रेड नोबल जो बोले कि नोबेल पुरस्कार उनके नाम पे मिलता है। हाँ। तो मतलब किनकी खोज करी थी उनने? ओके, मतलब खोज से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा कोई ध्यान है? इसके अलावा केमिस्ट्री के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन थे। पेरियोडिक टेबल से क्वेश्चन थे या फिर फॉर्मूला से क्वेश्चन थे? केमिस्ट्री टेबल से तो नहीं था, एक क्वेश्चन ऑक्टेल नंबर से था शायद। ऑक्टेव नंबर, ओके, ऑक्टेव नंबर से क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिजिक्स, तो फिजिक्स में कहाँ से, जैसे दर्पण से कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई और टॉपिक से क्वेश्चन हो? दर्पण से पर ध्यान नहीं आ रहा, बाकी नहीं था, नहीं था कोई भी। अच्छा, ओके। इसके अलावा बायो से क्वेश्चन कुछ था? बायो से बहुत क्वेश्चन थे, टॉपिक 7-8 क्वेश्चन, टॉपिक तो याद नहीं है। क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन भी एक पारिस्थितिकी तंत्र से आया था, एक क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र की खोज या फिर उसके सीक्वेंस जमाने दिया था? सीक्वेंस नहीं आया था, उससे रिलेटेड कुछ पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा अभी। ओके, इसके अलावा बायो में जैसे गुणसूत्र है या फिर आरएनए डीएनए या कोशिका रक्त, कोई टॉपिक नहीं? चलो जीके की बात करते हैं, सब छोड़ो। एमपी का जैसे कल पोर्शन कम था एमपी का, तो आज भी सेम ऐसा ही है या फिर? हाँ, कभी है एमपी का तो 3-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान है? एक संगीत अकेडमी करके पूछा था। संगीत अकेडमी कहाँ पर है? इसके अलावा नहीं, नहीं, उस संगीत अकेडमी में मतलब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें संगीत घराना था या फिर संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन मान सकते हैं। ओके, इसके अलावा एमपी में जैसे मेले, मंदिर, त्योहार या फिर कुछ और? नहीं, बाकी गठन नहीं, एक राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 352 आया था। उसके बाद में आया था 352 आर्टिकल बोल रहे हैं, कुछ 354 बोल रहे हैं, तो नहीं 352 आया, 352 आर्टिकल, मतलब तीन आपातकाल लगते हैं तो 352, 52, 56, 60, तो 52 वाला पूछा था, राष्ट्रीय आपातकाल। और अगर हिस्ट्री की बात, एक अमेंडमेंट से आया था एक क्वेश्चन। ओके, और हिस्ट्री की बात करें, बदल अमेंडमेंट करके आया था 52वां संविधान संशोधन। अगर हिस्ट्री की बात करें तो आ रही है या नहीं? हिस्ट्री से क्वेश्चन था अपना ध्रुपद करके था, ध्रुपद इसके दरबार में आगे बढ़ा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ध्रुपद संगीत ध्रुपद नहीं, ध्रुपद नाम ओनली बस था, और बाकी नाम दिए थे नीचे, अकबर, बीरबल, जहांगीर वगैरह, औरंगजेब। हाँ, तो मतलब ध्रुपद किसके, ध्रुपद गायन किसके काल में आगे बढ़ा? गायन नहीं पूछा था, जो नाम है ना ध्रुपद है। हाँ। किसी के मतलब दरबार में आगे बढ़ा था ये पूछा था उसने, किसके दरबार, किसके दरबार में आगे बढ़ा था ये पूछा गया है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव थे सबसे ज्यादा, पीक्यूआरएस के क्वेश्चन थे 7-8, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम के 2-3 क्वेश्चन थे, कोई वर्ड ध्यान है? एक स्विफ्ट का सिनोनिम पूछा था, स्विफ्ट। हाँ, फास्ट। हाँ, इसके अलावा और कोई? स्विफ्ट मतलब टर्न, शिफ्ट, मतलब हो जाता है तेज, SW। हाँ, स्विफ्ट मतलब टर्न होता है ना, स्विफ्ट मतलब स्विफ्ट था। और बाकी एंटोनिम पूछे थे 2-3, एक idiom पूछा था बकेट करके, कोई सा था ध्यान नहीं आ रहा वो। अगर मैं उसकी बात करूँ हिंदी की, तो संधि, समास, कारक, विराम, चिन्ह, कहाँ से क्या कुछ याद है? संधि से तो नहीं आया था कोई क्वेश्चन, समास से क्वेश्चन आए थे। कौन सी समास थी? एक अव्ययी भाव समास थी। हाँ, एक अव्ययी भाव समास। ध्यान है? अव्ययी भाव वर्ड तो ध्यान नहीं है मेरे को। कारक से क्वेश्चन, विभक्ति से क्वेश्चन या फिर विलोम पर्यायवाची? हाँ, विलोम पर्यायवाची 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे। मैथ्स कैसी आ रही है? बोल रहा है मैथ टफ है, बनी नहीं थी। हाँ, मैथ्स थोड़ी लेंदी थी, परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रॉफिट लॉस से था, सीआई से क्वेश्चन था, रेशियो से एक क्वेश्चन था,
रेक्टेंगल से नहीं था, वृत्त अपना आयत से क्वेश्चन था, आयत से क्वेश्चन था, वृत्त से क्वेश्चन। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड। जैसा कि आपने देखा आज के पेपर का सूरत हाल, जिसमें हमें मॉडरेट पेपर देखने को मिला, लेकिन बच्चों ने ज्यादा मार्क्स अचीव नहीं किए। अगर बात करें साइंस की तो सिंपल क्वेश्चन भी थे, लेकिन साथ में कुछ टफ क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले। सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो आप एनालिसिस में देख सकते हैं, इसके अलावा मैथ्स कैलकुलेटिव है, और इंग्लिश की बात करें तो पैरा जंबल काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, बाकी सिनोनिम एंटोनिम और ये सब टॉपिक हमें देखने को मिले हैं। जीके में एमपी जीके के 2 से 3 क्वेश्चन ही है, बाकी स्टेटिक और वर्ल्ड जीके यहाँ पर ज्यादा आ रही है, और साथ ही करंट अफेयर्स। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में संधि नहीं पूछी गई है, समाज से क्वेश्चन आया है, इसके अलावा कारक और विभक्ति चिन्ह, और साथ ही आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये था हमारा आज के पूरे टॉपिक का एनालिसिस। सेकंड शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट में आपसे फिर मिलते हैं, बने रहिए सीएमसी इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।